Hello everyone, this is Vandana Sindhi and welcome to my YouTube channel. Aaj apa computer de bare vich detail nal gal karange ki computer ki hai te computer diyan characteristics ki han. Theek hai ji, te tanu e jo presentation hai ida link description box de vich mil jayega. Tusi inu download karke apne end te pad sakte ho. Theek hai ji, chalo start kariye. What is computer? कह रहे हैं, एक कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. देखो जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एज इनपुट. हुण उरे इनपुट दी गल हुई, दैट एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज इनपुट. ठीक है, रॉ डेटा नु इनपुट दे वजो एक्सेप्ट किया जाएगा एंड प्रोसेसेस इट विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट. ठीक है, ते उनु इंस्ट्रक्शंस नु इंस्ट्रक्शन के उपर की है कुछ प्रोसैसिंग करके आउटपुट प्रोड्यूस की जाएगी. देखो, आप बेसिक डायग्राम कंप्यूटर का बनाते होंगे, कुछ इनपुट है, ये उपर आपने प्रोसैसिंग करी तो आपको की मिल गई आउटपुट. ठीक है जी, हुण सपोज करो कि तुसी दो नंबरस नू जोड़ना चाहते हो. आप लेंदे हां दो ते पांच, ता सपोज करो तुसी इनू ऐड कराना है. ठीक है, हुण उरे की आ रहा है रो डेटा. रो डेटा उरे की हो गया टू ते फाइव, दिस इज योर रो डेटा. ठीक है, जिसनों आप कहेंगे इनपुट करे मैंने दो नंबर. प्रोसैसिंग की होएगा, ये कह रहे प्रोसैसिज इट विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज अ प्रोग्राम. वो कह रहे इंस्ट्रक्शन की है कि तुम ये उपर एडिशन परफॉर्म करना है, दैट इज टू प्लस फाइव. ठीक है, एड एड करना है अपने इनू, तो आउटपुट के वालों मैं मिलेगा सैवन. ठीक है, दैट इज सैवन, तो रिजल्ट मैं मिल गया आउटपुट. तो इस डेफिनेशन के नाल, ठीक है, ये एग्जाम्पल नू रिलेट करके तुसी प्रॉपर कंप्यूटर दी एक चंगी परिभाषा नू व्याख्या दे तौर ते लिख सकते हो. ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट एनालिटिकल इंजन वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837. देखो, ये ऐसा मनिया जाता है कि जो एनालिटिकल इंजन पहला कंप्यूटर सी, किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने. कदों बनाया? 1837 दे विच. एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज दे विच इसनों हुन तक पूछा जा सकया है. इनू सेकेंडली क्वेश्चन क्या होंदा है, चार्ल्स बेबेज वॉज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. डायरेक्ट क्वेश्चन आंदा है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर या फिर हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर. द आंसर इज चार्ल्स बेबेज. कहते इस तरह मनिया जाता है कि जो एनालिटिकल इंजन पहला कंप्यूटर सी, जिसकी खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा 1837 दे विच कीती गई. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इहदे उपर बहुत सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं एंड अगे भी आएंगे. ठीक है, इट यूज पंच कार्ड एज रीड ओनली मेमरी. देखो, पहले दे जो कंप्यूटर सी, ठीक है, उहदे विच मेमरी का कंसैप्ट बहुत घट सी. ठीक है, एक जो कंप्यूटर की मेमरी सी वो बड़ी थोड़ी जी होंदी सी, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पहले की होंदे सी पंच कार्ड यूज किए जाते थे, तो रीड ओनली मेमरी पर रोम कहते हैं ना कंप्यूटर के. आप अगे आने वाली क्लासेस मेमरी बारे डिटेल पढ़ांगे. वो तुम ए समझो कि पंच कार्ड इज लाइक यूर पेन ड्राइव. ठीक है, पेन ड्राइव जितना की मेमरी है. तो कह रहे चार्ल्स बेबेज इज ऑलसो नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर. फिर चार्ल्स बेबेज आप होर की कहने, कंप्यूटर का पितामा, फादर ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, दिस इज ऑलसो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ कंप्यूटर अ कॉम्बीनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज कंप्यूट प्लस प्लस ई आर. और इट शुड बी कंप्यूट, राइट? ठीक है, कंप्यूट प्लस ई आर. तो कह रहे कि दो कॉम्बीनेशन तो बने हैं, दैट इज कंप्यूट प्लस ई आर. कह रहे कंप्यूट का मीनिंग क्या है, दैट इज कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन करनी. एंड ई आर का मतलब की सी, एक डिवाइस सी. तो आपां इहनूं इह कह सकदे गणना करन वाला यंत्र. ठीक है, कैलकुलेशन करन लई एक डिवाइस. ठीक है, तुसीं इह देखो कि जो स्टार्टिंग दे विच कंप्यूटर आया ते उह बहुत जगह कंज्यूम करता हुंदा सी, बड़ी सारी स्पेस कंज्यूम कर ली, कुछ रूम्स दे विच आया. ठीक है, इन्ने वड्डे कंप्यूटर हुंदे सीगे ते नाल उहनां दी मेमरी सी जो बहुत ही घट हुंदी सी. ठीक है, ते इस तरह उस कह रहे कि इहनूं आपां नॉर्मल परपज लई यूज नहीं करदे सी जिवें आपां अजकल करदे हां. ठीक है, ते ये आप अगे स्लाइड्स विच पढ़ते हैं द फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर. हुण कंप्यूटर एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म की है, सी फॉर द कॉमन, ओ फॉर द ऑपरेटिंग, एम फॉर द मशीन, पी स्टैंड फॉर पर्पसली, यू यूज्ड फॉर, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड ई फॉर द एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च. दैट इज कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਔਰ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਹੇਗੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਸੈਟੈਲਿਟੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਦ ਮੱਚ ਹਾਇਰ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਵਾਇਲ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਔਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਮੱਚ ਹਾਇਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਐਂਡ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10^-6 ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10^-9 ਠੀਕ ਹੈ 1 second ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 1 second ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1 second ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10^-6 ਮਾਈਕਰੋਸੈਕਿੰਡਸ ਐਂਡ 10^-9 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡਸ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਪੀਡਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਰਰਸ ਮੇ ਅਕਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡੇਟਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਔਰ ਇਨਐਕੂਰੇਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 100% ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਟ ਐਰਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡੇਟਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ 10/2 ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਂਸਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 5 ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 10/0 ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਸਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਐਰਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਇਨਪੁੱਟ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਪਰਫੋਰਮ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟਾਸਕ ਔਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟਾਸਕ ਦੇਖੋ ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸੇਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਔਰ ਸੇਮ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਫੀਲ ਐਨੀ ਫਟੀਗ ਔਰ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾਓ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 ਘੰਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਮੈਮਰੀ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਇਟ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਈਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਬਟ ਜੋ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਮੇਨ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਓਕੇ ਵਰਸੇਟੈਲਿਟੀ ਵਰਸੇਟੈਲਿਟੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਵਰਕ ਵਿਦ ਸੇਮ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ
एक टैब ते गेम ओपन है, ठीक है, साइड बाय साइड आई विल डू गेमिंग एंड मैं म्यूजिक भी ओपन किया हुआ है, ठीक है ना, म्यूजिक मैं सॉन्ग भी सुन रही हूँ, तो मे बी मेरे 2-3 टैब्स होर ओपन भी हैं, ठीक है, तो वो की कह रहे हैं कि वो डिफरेंट काम नू सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के नाल ही करेगा, इतना नहीं है कि जब मैं गेम खेल रही हूँ तो मेरा म्यूजिक प्लेयर वर्क नहीं करेगा, ऑब्वियसली इट विल वर्क, ठीक है, तो वो कह रहे हैं सेम एक्यूरेसी 100% सही चलेगा तो एफिशिएंट होएगा। उनकी कह रहे हैं रिलायबिलिटी, अ कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट इज गिवन कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा, दैट इज इट गिव द सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम्स विल गेट द सेम रिजल्ट। देखो रिलायबिलिटी का मतलब की है, हम सपोज करो कि मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 5 + 2, ठीक है, तो मैंने की आंसर मिल रहा है 7, हूँ कोई और बंदा है उसने भी 5 + 2 लिखा तो उन्होंने की मिल रहा है 7 ही मिल रहा है, और तुम्हें पता है कि रिजल्ट की है सही है, तो आप की कहेंगे कि बिल्कुल सही रिलायबल रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं अपने एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है, तो एक ही रिलायबल है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी सैट ऑफ इनपुट के लिए किसी भी टाइम पर तुम्हें सेम रिजल्ट ही मिलेगा, इट इज ऑलवेज 7 है जो आप 5 + 2 करा, यह नहीं कि मैं कल 10 मिल गया दैन 11 मिल गया, ठीक है, तो इस चीज़ों पर कहना रिलायबिलिटी। ऑटोमेशन, कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली दैट इज परफॉर्म टास्क विदाउट द मैनुअल इंटरवेंशन। देखो जी ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म किया जाएगा, अपनी इन्वेंशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अपा ने की किया, देखो म्यूजिक या फिर कोई मूवी देखनी है, ठीक है, स्टार्टिंग दे विच मैंने जस्ट प्ले ते क्लिक किया तो स्मूदली मूवी प्ले करता ही जाएगा, ठीक है, उदे विच मेरी कोई इन्वेंशन ही नहीं है, ठीक है, मैं कोई इंटरवेंशन करूँगी ही नहीं, ठीक है जी, क्योंकि यार ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता जाएगा, ठीक है, तानू इहदे विच कुछ भी ह्यूमन नू इनवॉल्व होने की नीड नहीं है, वो जस्ट एक बार कमांड देगा दैट इज एक बार इनपुट दी जाएगी, उस तो बाद जो आउटपुट मिलेगी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होकर आ जाएगी, राइट, ओके। देन मैमरी, देखो मैमरी की है, मैमरी कंप्यूटर के 2 तरह की मैमरी है, पहली है प्राइमरी मैमरी, दूजी की है अपने कोल सेकेंडरी मैमरी, ठीक है, प्राइमरी मैमरी की है अपनी वॉलेटाइल, तो सेकेंडरी की होंगी है नॉन वॉलेटाइल है, बेसिकली जो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो प्राइमरी मैमरी के होएगा, उस तो बाद जब आप उसको सेव करना है तो कितने चला जाएगा सेकेंडरी मैमरी के, ठीक है, जिमें वो कह रहा है एग्जाम्पल हो गए सी डीज पेन ड्राइव्स, एक ही अंदर आ रही है अपनी सेकेंडरी मैमरी के अंदर, तो जो अपनी रैम है वो की है प्राइमरी मैमरी है, ठीक है जी। मैमरी के आप डिटेल गल करा, जे तुहानू ये वीडियो वधिया लग्या तो प्लीज़ इसके उपर लाइक करियो, चैनल में सबसक्राइब करियो, तो कोई भी डाउट है दैन प्लीज़ कमेंट दे विच जरूर लिखना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, एंड नैक्सट सीरीज़ के नैक्सट जो वीडियो आएगा वो आएगा हिस्टरी ऑफ कंप्यूटर्स, तो प्लीज़ बने रहो साढ़े नाल, आप कंप्यूटर द बेसिक्स फंडामेंटल इस सीरीज़ के कवर करा, तो नाल ये जो सीरीज़ है ये UGC नैट जो फर्स्ट पेपर के ICT है वो कवर हो जाएगा, साइड बाय साइड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो भी अपन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो बेसिक्स आंदा है वो भी कवर हो जाना है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर कमेंट द वीडियो, थैंक यू सो मच।